नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेप सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 24 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का व्यू दूंगा, तो इसमें आप लोग को बहुत सारा बाइसेल लेवल्स मिलेगा। ये आप लोग को फ्री में आप लोग को लिए रेगुलर बनाता हूँ, तो ये वीडियो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिए। और मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। वो भी आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। और मैंने लाइव डेमो वीडियो बनाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, मेरा बाय सेल लेवल का जो परफॉर्मेंस का रहता है वैसे आप लोगों के सामने मैंने वैसे लेवल कैलकुलेट करके उसके बाद वैसे लेवल डिटरमिन करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे उसका लेवल मैच करता है, कैसे ये अप में जाता है या डाउन में जाता है उस लेवल आने के बाद। तो इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप लोग को ट्रेनिंग भी दूंगा उस बाय सेल लेवल और चार्ट का सेटअप, ऑप्शन चेंज स्ट्रेटजीज और ये सब आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए। तो इसमें आप लोग को ट्रेनिंग का मॉड्यूल में क्या क्या है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा और आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है। और इसमें आप लोग को पता चल जाएगा ये कैसे काम करता है। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं और भी अपलोड करते जाऊंगा, जो भी एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस मेरे नॉलेज में है मैंने टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा, तो वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है तो इसमें क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल्स इन दिस बाय सेल लेवल एंड हाउ टू स्क्रीन इट, ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए तो ताकि आप लोग को इसमें पता चल जाएगा इसको इसमें क्या क्या है और कैसे आप लोग को स्क्रीनिंग कर सकता है। आप लोग फ्री ट्रायल में ज्वाइन हो सकता है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर। और मैंने आप लोग को लाइव डेमो भी दिखा दूंगा, जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहता है मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, लाइव डेमो भी दिखा दूंगा। उसके बाद आप लोग पेड सर्विस भी ले सकता है, कॉल सर्विस या ट्रेनिंग के लिए। आपसे पता है ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसमें ये लॉकडाउन पीरियड में आप लोग को इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये इतना कम कॉस्ट में इतना कीमती चीज़ आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग जो आप लोग को 50,000-1,00,000 में मिलेगा तो ये आप लोग को मिल जाएगा बहुत ही कम कॉस्ट में। तो ठीक है, देखते हैं अभी बाय सेल लेवल्स वन दिखाता हूँ, ऑन सेट ऑफ बाय सेल लेवल्स, तीनों बाय सेल लेवल पहले दिखाऊंगा, उसके बाद गन लेवल, फिबोनाची लेवल्स, मूरेस लेवल्स, बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए। और इतना सारा लेवल्स दिखाने का मतलब मकसद ये है कि आप लोग कोई भी एक लेवल पे आप लोग काम कर सकता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन आप लोग बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके जब एक डिसीजन लेंगे जी हाँ ये ठीक रहेगा, तो आप लोग को एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा। तो और मैं भी जो सिखाऊंगा आप लोग को वो भी आप लोग को दिखा दूंगा कि कौन सा लेवल पे कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेनली वोलेटिलिटी वेस्ट लिंक, वोलेटिलिटी लिंक और प्रोबेबिलिटी लिंक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ही मैं फिर से बोलता हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसमें भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। अच्छा, बाय सेल वन में बाय का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहेगा, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहेगा। और सेल का भी ऐसा है, सेल का भी एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ। अभी आप लोग को गैप ओवर गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है। सोच लीजिए मार्केट 21,078 और 21,092 के अंदर सोच लीजिए, 2,185 में ओपन हुआ है। तो इसमें 85 में ओपन होते ही सोच लीजिए 2,090 चला गया,
ये ऐसा होगा तो 2192 के ऊपर ही ट्रेड लेना अच्छा रहेगा, मतलब ट्रेड लेना है, नहीं तो आप लोग को फॉल्स हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग, और ऐसा नहीं है कि एक लेवल जाने के बाद उसमें आप ट्रेंड पकड़ लिया, ऐसा भी ये भी गलत पहनी होगा। तो उसमें एक एक लेवल जाएगा तो आप लोग को देख लेना है, नहीं तो सेल का लेवल जब आएगा सेल का, नहीं तो फिर से अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग कॉल सर्विस लेंगे, ये वन टाइम आप लोग जो मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें जो इसका रेंज में गैप अप गैप डाउन होने के बाद भी जो रेंज में आया, रेंज में रहेगा तो आप लोग ट्रेड ले सकता है। और मेरा लाइव डेमो देखिए और परफॉर्मेंस देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा किस कैसे लेना है। ये है वाइसल लेवल 2, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इधर से क्या क्या कितना सारा इंडिकेटर्स लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारा, मल्टीपल टाइम फ्रेम में प्रोबेबिलिटी भी आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। और ये है वाइसल लेवल 3 R1, इसका सभी लेवल पे गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेना है। ये है वाइसल लेवल 3 R1, इसका बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है। और ये है पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट। इसके बाद बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, मिड बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड अभी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड करेंगे, सोच लीजिए मिड बैंड क्रॉस किया है करके ऊपर जा रहा है तो आप लोग बाई कर सकता है, मिड बैंड करके नीचे जाएगा, लोअर बैंड क्रॉस किया है, अपर बैंड क्रॉस किया है, तो ऐसे करके आप लोग ट्रेड ले सकता है। टीरॉल लेवल है, इसका दिखाता हूँ, टीरॉल लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन भी आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। इसके बाद जो दिखाऊंगा वो है गान का लेवल, गान का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, गान एंगल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी गान डिग्रीज का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अपसाइड, ठीक है। बाई का एंट्री लेवल है स्टेप बाय स्टेप, और सेल का एंट्री लेवल है ये सपोर्ट का, ये है गान स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है। सभी में गैप अप और गैप डाउन कंसिडर कर लेना है, और कोई भी एक लेवल आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग को मेरे को फीडबैक दे सकता है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट मोरस लेवल्स में, ये भी बहुत ही अच्छा लेवल्स है, ये आप लोग को ऐसे मतलब इजीली नहीं मिलेगा किसी जगह पे, ठीक है। मोरस मतलब लेवल लेवल ये सोच लीजिए 2185 या 2197 के अंदर है तो आप लोग को अप ट्रेंड लेना है, और नहीं तो 2097 के आसपास आ जाएगा तो भाई ये 2097 के ऊपर 2209 के लिए रेट लेना है, और नीचे जाएगा तो इसका नीचे ट्रेड लेना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखिए वाइसल लेवल तो मैं दे देता हूँ, आप लोग को भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और ये है 360 डिग्री एनालिसिस, 360 डिग्री फर्स्ट साइकिल अपसाइड, 360 डिग्री प्राइस एनालिसिस अपसाइड फर्स्ट साइकिल, ठीक है। अपसाइड का ये फर्स्ट साइकिल है, 45 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ये फर्स्ट साइकिल, और 45 डिग्री से लेकर डाउन साइड में फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, ठीक है। तो ये भी है, ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट साइकिल का सेकेंड साइकिल का अपसाइड, ठीक है, और सेकेंड साइकिल का डाउन साइड, इसमें मैं आशा करता हूँ इसको एक्सपेंशन नहीं देना पड़ेगा। जब ये सोच लीजिए फर्स्ट साइकिल में गैप अप और गैप डाउन होकर फर्स्ट साइकिल या सेकंड साइकिल में आ गया, नहीं तो जब ऊपर जा रहा है फर्स्ट एकदम एंट्री लेवल से फर्स्ट साइकिल से ही आप जा रहा है तो एक के बाद एक लेना है, ये बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है, तो इसमें एक्सपेंशन देने का ज़रूरत नहीं हो होता। और ये जो टाइम भी कैलकुलेशन किया है, ये भी टाइम गन टाइम एंड प्राइस स्क्वायर मेथड, इसमें भी आप लोग को टाइम कितना है का लगेगा, इसमें भी आप लोग को ये भी आप लोग नोट कर सकता है। इसके बाद कौन सा एंगल पे है और कौन सा कितना टाइम में फ्रेम टाइम के बाद ये चेंज हो सकता है लास्ट सेशन के बाद, ये आप लोग ये सब आप लोग को समझा दूंगा आप लोग ले लेंगे तो। बहुत सारे गान का और फिबोनाची का जो लेवल्स है, एलियॉट वेव्स का जो साइकिल लेवल्स है, बुरस का जो लेवल्स है, और वोलेटिलिटी विलिंग जो लेवल्स है, ये बहुत ही गान, ये है गान स्क्वायर ऑफ 12, ये भी आप लोग को मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखा दूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट एनालिसिस किया उस लेवल दिखाया था, अभी और भी बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, आप लोग सभी लेवल्स देख सकता है, कंपेयर करके एक डिटरमिन कर सकता है, नहीं तो आप लोग कोई भी एक लेवल ऑब्जर्व कर सकता है। देखिए
देखिए सभी प्राइस सेक्शन में चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट वगैरह सब नोट करते रहिए, जो जो मैंने मेंशन किया प्राइस चैनल सभी का, सभी स्क्रिप्ट में। मैंने इसके बाद कमोडिटी भी दिखाऊंगा। तो इसका जो साइकिल जो चलता है, हाँ, सभी लोग का सब सभी लोगों का कुछ, जो लोग ऑलरेडी ट्रेड, जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी कर रहा है, जो लोग का अपना सिस्टम है, तो इसमें आप लोग को देखिए ये साइकिल में नॉट ओनली द ट्रेड मार्केट, ऑल ओवर यूनिवर्स इसमें चलता है। तो बहुत सारा चीज़ आप लोग इसमें मतलब इसमें आप लोग को सिमिलरिटी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जब आप लोग इसको जब सीख जाएंगे तो आप लोग को स्टॉक मार्केट का मूवमेंट आप लोग को बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाएगा। जो लोग सोचता है कि मैंने इस मेरा तो ट्रेड अच्छा चल रहा है, मेरा सिस्टम है, सेट सिस्टम है, लेकिन इसका आप लोग को ट्रेडिंग में बदलाव आएगा ही आएगा। आप लोग का ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग का जो स्टाइल है और जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है, इसमें आप लोग को बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ है। आप लोग मेरा चैनल देखिए, मैंने बहुत दिन से मैंने बहुत सारा वीडियोस डाला है, धीरे 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 बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मैंने लेकर आया है। तो आप लोग पहले क्या करता था और आप भी क्या कर रहा हूँ वो आप लोग देख सकता है, मैंने क्यों इसको अडेप्ट कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारा स्टार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजीज आप लोग को दिखाया है, मेरा इसमें क्या बोलता है, मेरा यूट्यूब वीडियो का चैनल में, ठीक है। आप लोग मेरा वेबसाइट का ब्लॉग में आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग को वेबसाइट मेरा मेंशन किया, आप लोग को दिखाई दिया हुआ, तो उसमें आप लोग को देख सकते हो। उसमें वेबसाइट में जाके बहुत सारा ब्लॉग्स है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। और इसका डाउनलोड फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने का मिल मतलब सैम्पल फाइल डाउनलोड करना नहीं, मेरा कोई लाइव डाटा नहीं है कि लाइव चलता है। तो इसमें आप लोग को जब ट्रेनिंग मतलब आप लोग कॉल सर्विस लेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी आप लोग को ये फाइल आप लोग को जितना सा जितना पोर्शन आप लोग को सिखाऊंगा तो वो आप लोग को हैंड ओवर कर दूंगा। आप लोग खुद मतलब आप लोग को जस्ट अपडेट करना पड़ेगा, डाटा बढ़ाना पड़ेगा और आप लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। कुछ फ्यूचर्स का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्यूचर्स में सभी लेवल सभी चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर्स का सभी डाटा नहीं मिलता है, कुछ कुछ ब्लैंक दिखाएगा, लेकिन बाय सेल लेवल सभी आ जाता है, कुछ कुछ पैरामीटर्स इंडिकेटर्स नहीं आता है, ये बाय सेल लेवल सब नोट कर लीजिए। और आप लोग किसी भी बाय सेल लेवल आप लोग सोच लीजिए, जो बाय सेल लेवल किसी भी बाय सेल लेवल देखिए आप लोग, उसके बाद मेरे को बोलिए क्या इसे क्या काम करता है। जो लोग ऑलरेडी बीच में है उसमें ट्रेनिंग लेने से एटलीस्ट कुछ आप लोग को बिगड़ नहीं जाएगा, ये बोल सकता हूँ। उसके बाद आप लोग देखिए इसको आप लोग को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये आप लोग को मिल जाएगा, आपको आप लोग को इसका अपॉर्चुनिटी उठाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो आप लोग को ट्रेडिंग में बदलाव आएगा बहुत, आप लोग को सामने जो गान का जो पूरा आप लोग सीख जाएंगे, गान का, फिबोनाची का, वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल्स है और स्टैंडर्ड डिविजन वाला और प्रोबेबिलिटी वाला जो लेवल्स है वो आप लोग एक बार सीख जाएंगे। तो और इसमें क्या है, इसमें आप लोग को इस सीट में मिलेगा आप लोग को अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल, जो लो ये फिबोनाची का एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट का इस सबसे बना है, फिबोनाची का ये जो अप ट्रेंड जब ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड को कुछ स्टॉक सोच लीजिए अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप लोग किसी भी जगह नहीं घुस सकते, वो एंट्री ले सकते, आप लोग को लॉस हो सकता है। तो ऐसा एंट्री लेंगे तो आप लोग को श्योर प्रॉफिट दे जाएगा। अप ट्रेंड जब रिट्रेस होकर नीचे जाएगा कौन सा लेवल एग्जैक्टली सही रहेगा वो आप लोग को इधर से मिल जाएगा। डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा कौन सा लेवल पे सही रहेगा जिसमें आप लोग को सियर प्रॉफिट दे सकता है, और डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा वो कौन सा लेवल पे है, हाँ उस लेवल के जाने के बाद वो आप लोग को सियर प्रॉफिट देगा, क्योंकि
फिबोनाची का एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट का बना हुआ है, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिटरमिन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स मैंने रखा है, उसमें भी आप लोग देख सकता है। इधर भी बहुत सारे इंडिकेटर, ये तो देखिए डाटा मेरे को रखना पड़ता है और दिन अपडेट करना पड़ता है, तो इसीलिए ये सब ब्लैक कुछ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो सब छोड़ के आप लोग को ये इंडिकेटर्स देखिए कितना सारे इंडिकेटर्स लगा हुआ है, तो ये आप लोग को उसके बाद आप लोग इसमें काम कर सकता है। तो ये देखिए 100 डे मूविंग एवरेज मेरा एक स्ट्रैटेजी है, 100 डे मूविंग एवरेज ये मैंने खुद डेवलप किया है। तो 100 डे मूविंग एवरेज जब काट करता है तो 100 डे मूविंग एवरेज सिंपल 100 डे मूविंग एवरेज जिस स्टॉक का डेली कैंडल स्टिक का काट किया है, तो सोच लीजिए बिटानिया में काट किया है, मतलब डेली कैंडल का आप लोग डेली चार्ट में लगा के 100 डे मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज लगा के देख सकता है किसी जगह से काट करेगा। अपर वीक काट कर सकता है, मिडिल से जा सकता है, लोअर वीक काट कर सकता है, ऑल टच कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जब इसका जब हाई लो जब ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं जो लोग बहुत से ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी होता है, ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी होता है जब अगला दिन का हाई लो ब्रेक होता है, प्रीवियस रेंज ब्रेक होता है। लेकिन जब ये 100 डे मूविंग एवरेज का जो जो टच जिसमें टच करता है उसमें रिवर्सल आ जाता है, तो इसमें बहुत ही ये इसका अलग सिग्निफिकेंस रहता है। जो लोग का एक्सपीरियंस है मैंने जो बोलता हूँ आप लोग को समझ में आ जाता है, ये मैंने जानता हूँ। और इसमें मारुति ना मारिको में इसमें हाई मारुति में काट किया है, मारिको में काट किया है, SRF में काट किया है, और टोरेंट फार्मा में काट किया है, ठीक है। कमोडिटी में का भी देख सकता है, अभी कमोडिटी अपडेट हो गया है, कमोडिटी आप लोग देख सकते हैं, नेचुरल गैस में काट किया है, ठीक है। और कुछ नहीं दिखाता हूँ, उसके बाद बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा, देखने का इरादा है। तो एक्चुअली देखिए एक वीडियो जब बनाता हूँ मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, जिसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को सामने लेकर आने का कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग दिखाता हूँ। ये एक सिस्टम है गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज, इसमें आप लोग स्टडी भी कर सकता है। आप लोग गूगल सर्च में जाके गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज जाएंगे तो मनी कंट्रोल का एक लिंक आएगा, टेक्निकल क्लासरूम, उसमें आप लोग गापी मूविंग एवरेज को स्टडी कर सकता है। तो इसका देखिए इस ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जब एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और जब एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का ऊपर जाएगा तो ये अप ट्रेंड रहेगा, और जब नीचे जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड रहेगा। इसमें ट्रू दिखा अप जाएगा, अप साइड में ट्रू दिखा दे रहा है, डाउन साइड में ट्रू दिखा रहा है, ऐसे ही फार्मूला दिखा रहा है, ऐसे ही फार्मूला देखे ये आप लोग देख सकता है, ये गेटर दन ये, ये गेटर दन ये। तो इसीलिए तो इसमें देखिए ये इतना सारा अप ट्रेंड में दिखाई देगा आप लोग को, क्योंकि ये डेली कैंडल का डाटा लेके किया हुआ है। उसके बाद आप लोग को देखना पड़ेगा बाय सेल लेवल, तो जरूर देखना पड़ेगा। एनीवे उसके बाद इसमें आप लोग को आर्बिट्रेज का बेसिस पर, जो लोग आर्बिट्रेज ट्रेड करना चाहिए उसमें आर्बिट्रेज का परसेंटेज आप लोग को इधर से देखने, जैसा लीजिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में फ्यूचर और ऑप्शन का, सॉरी फ्यूचर और कैश में इसमें 1.5 दिखा रहा है, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें ट्रेड में लेना अच्छा रहेगा, जिसमें स्प्रेड 1 के ऊपर या 1.5 और 1.5 या 2 के आसपास होगा, तो इसका ये भी आप लोग को एक अच्छी हो जाएगा। ये इसमें इसमें कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में क्या है, जितना कौन सा स्टॉक है, मैंने बहुत सारा सेक्टर्स मतलब सेक्टर्स एक्सप्लोर किया हूँ, बहुत सारा सेक्टर्स बहुत सारा स्टॉक्स एक्सप्लोर करके मैंने ये सब कोरिलेशन बनाया हूँ, ठीक है। जिसने जिसमें 80% तो 88% 87% तो है बहुत ही, लेकिन जो मैंने 90% के ऊपर है उसको मैंने हाईलाइट किया करके रखा हूँ। इसमें कौन सा पेयर को उसमें का चेंज इन प्राइस देखना पड़ेगा, 1 डे का हिसाब से, 7 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से। जो लोग इंटरडे करना चाहता है सोच लीजिए कौन सा बाई करना है, कौन को कौन सा पेयर को सेल करना, सोच लीजिए ACC अंबुजा को आप लोग बाई पेयर ट्रेडिंग करना चाहता है तो ACC को सेल करना पड़ेगा और अंबुजा को बाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ACC में जो -2.73 है, ठीक है, और अंबुजा में दिखता है अंबुजा अंबुजा सेम में देखिए
2.41 है। तो क्या होता है इसमें, जिसमें आप लोग को ज़्यादा ऊपर गया है तो उसको आप लोग को सेल करना, ज़्यादा ऊपर चला गया या मतलब नेगेटिव, या दो सोच लीजिए दोनों ही नेगेटिव है लेकिन इसका नेगेटिव वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको आप लोग को सेल करना पड़ेगा और इसको बाई करना पड़ेगा। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, सोच लीजिए बाटा इंडिया और इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस, तो बाटा इंडिया को सेल करना पड़ेगा क्योंकि बाटा इंडिया में देखिए 4.4 प्राइस चेंज हुआ है और इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस जो ज़्यादा गेन किया है उसको सेल करना है और जो कम गेन किया है उसको बाई करना पाए। देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस 2 दिखा रहा है और वो 4 दिखा रहा है, तो इसीलिए आप लोग को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है शायद, तो इसमें आप लोग को ऐसे करके ट्रेड लेना है। और जो लोग इसमें, आप लोग को कुछ कुछ आदमी इसमें 50,000 60,000 देखे सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, तो इसमें आप लोग को क्लियर पिक्चर देखा, आप लोग मतलब कौन सा लेवल, कौन सा बाई करना है, कौन सा सेल करना है, डिलीवरी इंटरडे डिलीवरी बेसिस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप लोग कर सकता है। ठीक है, आप लोग को कुछ कुछ सॉफ्टवेयर मिलेगा इसमें जो 50,000 के ऊपर ये सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है। तो मैंने देखिए खुद ट्रेडर हूँ और बहुत मेहनत करके मैंने, आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल देख सकता है तो आप लोग को पता चल जाएगा, तो बहुत मेहनत करके मैंने ये सीखा है। तो आप लोग और मार्केट में बहुत सारा आदमी मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमत में एक्सपेक्ट कर रहा है, पीपल को एक्सपेक्ट कर रहा है, चीज़ भी ऐसा क्वालिटी का नहीं होता है। तो इसमें मैंने चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेड कीजिए और आराम से मतलब सीखिए, काम सीखिए, और कुछ मटेरियल्स आप लोग, जो मटेरियल्स आप लोग को दूंगा वो भी कुछ क्वालिटी का होगा और इसका कीमत भी बहुत ही कम पे आप लोग को मिलेगा, तो इसमें आप लोग ट्रेड करेंगे तो आप लोग को फायदा ही होगा। तो मैंने चाहता हूँ कि देखिए कुछ स्पेस चाहिए आदमी लोग को कि आप लोग आराम से कॉल सर्विस लेंगे, उसका आप लोग को पसंद नहीं आएगा और आप लोग को ट्रेड सीखेंगे तो उसमें भी आप लोग को पैसा नहीं है, उसके बाद आप लोग आराम से कंफर्टेबली ट्रेड कर सकता है। होप आप लोग का, मेरा मैं क्या आज कहना चाहता हूँ आप लोग को समझ में आ गया है। तो देखिए इसमें मुझे इंस्ट्रूमेंट NR4 NR7 वन इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाता हूँ, ये OSCC वो इनसाइड द बार आप लोग कुछ चार्ट में चेक कर सकते हैं जो लोग जानता है। NR4 NR7 का होता है इस NR4 NR7 में, इसमें कुछ कुछ बना है, ठीक है, इनसाइड द बार बना है सेंचुरी टेक्स में और इनसाइड द बार NR4 चोलाफिन NR4 NR7 में, इसमें बहुत सारा मिलेगा। तो और भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, तो जो लोग कॉल सर्विस लेंगे तो आप लोग को ये आप लोग को दिखाई जाएगा। ये तीन देखिए अमरनाथ या बैटरी लगातार 3 दिन से हायर हाई हायर लोस बना रहा है, तो इसका जब हाई, आज का हाई ब्रेक करेगा तो बहुत ही ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इसमें और कुछ देखता है, लोअर हाई लोअर लोस के उस बना है, इसमें डोजी अप ट्रेंड बना है, डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ब्रिटानिया ए में, ये बना है, ठीक है, अप ट्रेंड में तब डोजी बनता है उसका आप भी जाना पड़ा जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, उसका जब हाई लो ब्रेक करके उसको ट्रेड लेना है। इंडिगो में इसका लोअर हाई लोअर लो बना है, ठीक है, और डोजी तो अप ट्रेंड तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, IDFC आइडिया में, और कुछ बना है इसमें नहीं, और कुछ बना नहीं है इसमें, कुछ दिखाई दे रहा है पैटर्न इसमें इन्वर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, प्राइस एक्शन से बनता है, बहुत सारा लोग प्राइस एक्शन करके बहुत सारा चीज़ आदमी लोग को मतलब करता है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइस एक्शन इसी में ही बनता है, फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट कान लेवल्स कैंडलस्टिक पैटर्न इसी में ही प्राइस एक्शन बनता है, तो और अभी एक्यूरेट होता है। इन्वर्टेड हैमर बना है IGL में, ठीक है, तो इसमें गोदरेज सीपी बना है, गोदरेज सीपी लुपिन में बना है इन्वर्टेड हैमर, तो इसमें आप लोग को काम करना सीखना पड़ेगा। इन्वर्टेड हैमर सोच लीजिए जब
इन्वर्टेड हैमर बनता है उसमें क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर में आप लोग को सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा, तो सेलिंग प्रेशर जब ज़्यादा दिखाएगा तो आप लोग को उसका जब लो ब्रेक करेगा तो आप लोग को जब ट्रेड लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा। और ये जो मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट है ये बहुत ही मैंने इधर उधर से ढूंढ के मैंने बनाया हूँ, तो इसमें क्या है यार इनके एस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए जब इसका हाई और लो ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लेवल से बना हुआ है, तो ये इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इतना कम कीमत में आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप लोग को इसमें कॉल सर्विस या ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। तो इसमें देखिए बुलिश एनगल्फिंग अदानी पोर्ट में बना है और एशियन पेंट में बना है, ठीक है, और बजाज ऑटो में बना है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसमें रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आप जाने का। बाटा इंडिया में शेकआउट बना है, बहुत सारा चीज़ है ऐसा है इसको मैंने खुद डेवलप किया हूँ, बहुत सारा चीज़ मतलब स्टडी करके बहुत सारा चीज़ बहुत सी इसमें लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक बना है। लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक जब अपर साइड में लॉन्ग स्टेल होगा तो इसका बाइंग सेलिंग प्रेशर रहेगा, और जब लोअर साइड में लॉन्ग स्टेल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो बहुत ही अच्छा होता है मतलब बाइंग करने के लिए। इधर 50-50 है, इधर ये भी बहुत ही अच्छा होता है। लॉन्ग बॉडी बना है, लॉन्ग बॉडी बाटा इंडिया में बना है, ठीक है। उसके बाद देखता है और कुछ, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे ही नहीं मिलता है, सोच लीजिए ड्रॉन्ग फाइल दोजी, उसके बाद ग्रेपस्टोन दोजी, ये सब ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, रियली दिखता है इसमें, रियली दिखना है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। बटरफ्लाई या हार्मोनिक पैटर्न, ये मॉर्निंग स्टार दिखाई दे रहा है विप्रो में, ठीक है, मॉर्निंग स्टार मतलब आप लोग को इसका ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है। तो इसे देखिए बुयारी सारामी बुली सारामी नाम से ही पता चलता है कि ये ऊपर वाला ये बुली सारामी है और बुयारी सारामी है। तो ये सब ऊपर ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट ये किसी भी आप लोग देख सकते हैं कैसे ट्रायंगुलर अपसाइड भी हो सकता है डाउन साइड भी हो सकता है, लेकिन ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक हुआ है। इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, तो ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसके बाद ये देखिए बुलिश अबंडेंट बेबी मतलब ये गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है मतलब ऐसा नहीं है कि वो नीचे जाएगा, उसका गैप फिलअप भी हो सकता है, वो आप लोग को समझ के जो उसका ट्रेडिंग स्टाइल है गैप थियोरी वो एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है, गैप स्ट्रैटेजी वो आप लोग को समझ के करना पड़ेगा, वो भी एक स्ट्रैटेजी है दूसरा, वो भी कुछ स्टडी करने का चीज़ है। तो इसमें आप लोग को और क्या इसमें और भी इसके बाद जो दिखाऊंगा उसको मैंने देखिए इसका मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप लोग को फिबोनाची लेवल्स दिखाऊंगा और सीपीआई पिवट पॉइंट रेंज दिखाऊंगा। ये मेरे को डाटा रखना पड़ता है इसीलिए कुछ डाटा आता है, और ये भी इंडिकेटर्स कुछ रखना पड़ता है तो कैलकुलेट करने के लिए। देखिए मैंने इतना सारा 22 स्टॉक्स में मैंने तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का रेफरेंस बन के आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग इसको नोटिस कीजिए, आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। जब मल्टीपल टाइम फ्रेम में कुछ लेवल आएगा, सोच लीजिए फिबोनाची का जो सॉरी फिबोनाची का 7 डेज 9392 का आ गया, तो 9392 आएगा तो ना ये इसका हाई प्रायोरिटी बनेगा कि 9459 जाएगा, इसके बाद 9526, तो इसीलिए इसका 8957 के नीचे आ जाएगा तो 8890 तक आने का प्रायोरिटी ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए इसका 7 दिन 15 दिन 30 दिन का जब लेवल मतलब ब्रेक होता है तो आप लोग मतलब वीकली सपोर्ट मंथली सपोर्ट जो आप लोग को मतलब चार्ट में दिखाई देता है वो सारा चार्ट में मिलेगा आप लोग को। तो और ये एक दिन का हिसाब से मतलब ये कल के लिए मतलब आप लोग मार्केट ओपन होने के बाद ये लेवल आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। तो मल्टीपल टाइम वीकली सपोर्ट मंथली सपोर्ट जो दिखाई देता है आप लोग को सभी जगह नहीं मिलेगा, वीकली सपोर्ट मंथली सपोर्ट आप लोग को ट्रेडिंग व्यू में दिखाई देगा।
तो सीपीआर आप लोग लगाएंगे तो उसका आप लोग को सीपीआर, तो अभी सीपीआर बहुत सारा सीपीआर का ऑप्शन है, आप लोग मेरा स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, मेरा वाला सीपीआर ट्रेडिंग वे पे, नहीं तो जो मंथली डेली मंथली वीकली दिखाता है वो उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सेटअप भी आप लोग को दिखाऊंगा ट्रेनिंग सेशन में, आप लोग ट्रेनिंग में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग व्यू का दो तीन मतलब स्ट्रैटेजी मैंने दे दिया है मेरा यूट्यूब पर। ये इस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची बेस्ड डेली वोलेटिलिटी, डेली वोलेटिलिटी बेस्ड बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी, ठीक है। तो वोलेटिलिटी के डेली वोलेटिलिटी के साथ साथ जब आप लोग को लिंक होता है, क्या होता है कि सोच लीजिए इसका डेली वोलेटिलिटी मैंने कैलकुलेट ले ली, वोलेटिलिटी भी वो भी आप लोग को शेयरिंग, आप लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल देख सकता है, मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन भी दिखाना दिखाऊंगा। उसके बाद डेली वोलेटिलिटी का जो होता है कि उसका एक मूवमेंट होता है, तो उसका जब सोच लीजिए आप लोग को इसमें पता चलेगा कि इसका डेली वोलेटिलिटी उसके बाद इसका डिवाइडेड बाय 100 जब किया है, उसका जब उसका परसेंटेज रिट्रेस होता है, उसके बाद इसका क्लोजिंग फेज के साथ ऐड होता है। तो ये सब जब करके जब करेगा तो डेली वोलेटिलिटी, जब आप लोग मार्केट का वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन जब आप कैच करके उसके साथ आप लोग परसेंटेज का फिबोनाची का परसेंटेज लगाएंगे तो और भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को काम करेगा। ऐसे आप लोग फिबोनाची लेवल गन लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सभी समय इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो इस तरह देखिए ये है गन एंगल्स का वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स है, और क्यों इतना लेवल्स दिखाता हूँ वो भी आप लोग को बोल दिया हूँ। वो आप लोग का मोर्चा एक का स्टाइल है, ये मेरा पसंद स्टाइल है कि सभी लेवल एक्सप्लोर करके उसके बाद दिखा मतलब डिटरमाइन करना। आप लोग कोई भी एक में करेंगे तो अभी आप लोग को ये है फिबोनाची बेस्ट लेवल्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और इसके बाद ये है इलिया टाइप, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कॉल सर्विस लेंगे तो ये पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, और इसके अंदर जो लोग ट्रेनिंग लेंगे इसके अंदर जो चीज़ सीखूंगा वो आप लोग को ट्रेनिंग मॉड्यूल में मिल जाएगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड लेवल्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी दोनों का करके मैंने इसको डेवलप किया है, ये आप लोग को किसी भी जगह में किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। आप लोग को बहुत ही कम नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। और कैसे ये लेवल्स आप लोग लाइव डेमो देखिए मेरा, इसमें से मैंने लेवल्स देता हूँ और कैसे काम करता है आप लोग देखिए। एक दिन का नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लाइव डेमो आप लोग को दिखाया है, तो आप लोग उसको डिटरमिन कर सकता है। और इसमें और कुछ लेवल्स दिखाने का नहीं, इसमें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यही वीडियो ख़त्म करता हूँ, कल सुबह फिर मिलेंगे, मिलने का इरादा रखता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।